एसटीवी न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। आइए नजर डालें आज की कुछ खास खबरों। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जहां एक और अपना एक बड़ा बयान जारी करते हुए कह रहे हैं कि जनपद में मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों की खैर नहीं, वहीं फतेहपुर जनपद के ईमानदार पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि जनपद में मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस चौकी आबू नगर के महज 100 मीटर दूर भांग के ठेके में मादक पदार्थ की बिक्री की जा रही है। मादक पदार्थ की बिक्री भांग के ठेके में इस कदर होती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। प्रशासन कुछ नहीं कहता, नहीं तो क्या पुलिस प्रशासन को पैसा पहुंचता है? क्या पहुंचता होगा तभी तो सब काम होता है। अच्छा पहुंचता है, तुम मानते हो कि पहुंचता है? पहुंचता है भाई, इधर देख के बात करो। पहुंचता है, पहुंचता होगा तभी तो ये सब नहीं मना। तभी तुमको पुलिस नहीं डिस्टर्ब करती, खुले आम भी कर रहा है ना। अरे करते हैं कोई ज्यादा नहीं। हाँ भैया, काहे की दुकान है आपकी? भांग की है। तो भांग की दुकान में ये क्या रखा हुआ है? ये मांग क्या रखा है? मांग ही रखा है। ये इस पुड़िया में क्या है, भांग है क्या है? भांग है, थोड़ा गांजा भी है। नहीं भांग तो नहीं, किसी पुड़िया में गांजा होगा? भांग रखा है ना। नहीं ये इसकी बात हम कर रहे हैं। वो तो गांजा रखा है। ये टोटल गांजा है। सुबह कितना भैया आता है आपके यहाँ कमाल? हाँ 150 पुड़िया ये वाला आता है। हाँ और 50-50 पुड़िया वो आ जाता है, वो और बड़ी वाली आ जाती है। ये क्या रेट बिकती है? 40 में। और बड़ी वाली? 80 में। और उससे बड़ी? 150 में। तो टोटल एक दिन पे कितने रुपए का माल आता है यार? अरे 9,000 का माल आता है बस। 9,000 का? हाँ 9,000। कौन है इसके ठेकेदार? मनोज मित्रा जी रमाकांत। जो जो नहीं, आपकी दुकान के ठेकेदार कौन है? वो सब पार्टनर हैं, हम जो पार्टनर है आपको बता रहे हैं हम। अच्छा क्या क्या नाम बताया आपने? मनोज मिश्रा जी और प्रेम बाबा। अच्छा ये लोग दुकान चलवाते हैं? हाँ। अच्छा यहाँ आप दुकान कर रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं भांग की दुकान पे, तो आपको पुलिस प्रशासन का किसी प्रकार का डर नहीं है? अब मालिक की वजह से हम बैठे हैं, मालिक बोलता है हमारी जिम्मेदारी अपना नौकरी। मालिक कल को अगर यहाँ आपसे स्माइक बेचवाएगा तो आप बेचेंगे? नहीं स्माइक क्यों बेचेंगे? तो फिर आप गांजा भाई अब माल बेचवा रहा है हमसे, बोल रहा है कि महीने दो महीने का हमारा काम है इसलिए आ गए हैं, अब मई जो होली में अपना चले जाएंगे, हमसे क्या मतलब? कब से बैठ रहे हो? अरे 1 महीना हुआ अभी। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा भोले नाम है। तो पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं? डर क्यों नहीं, हम डरते हैं भाई, जब मजबूरी में है मान लो। अरे मान लो भाई महीने 15 दिन के लिए आ गए हैं, हमारा यहाँ क्या काशी है क्या, अपना खेत किसानी आगे जाके वहाँ करेंगे बस और क्या। अभी तक यहाँ कोई प्रशासन का आदमी चेक करने नहीं आया कि भांग बिक रही की गांजा बिक रही? हमारे सामने नहीं आया, हमको महीने 15 दिनों बाद। तो में क्या पुलिस को इस बात का पैसा जाता है क्या? अभी हमको क्या मालूम पैसा जाता है कि नहीं जाता, अब हम क्या जाने पैसा जाता है कि नहीं जाता। भाई जो हम अभी सामने बता रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं। गार दियो। हाँ आओ ऐसी आओ, इधर आओ साइड में आओ। ये कहाँ का ठेका है? कहाँ का ठेका है ये, कौन सी जगह? आबू नगर। आबू नगर किसका ठेका है ये? मनोज का। मनोज कौन है? ठेकेदार है। ठेकेदार है। हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा मोहन। क्या बेच रहे हो यहाँ पे? भांग है बेच रहे हैं। और ये क्या है? ये तो गांजा है। इसमें गांजा है? हाँ बेटा बोलो। कितना रुपया पुड़िया जा रहा? 40 रुपया है, 80 रुपया है। और ये बस इससे बड़ी भी कोई पुड़िया आती है? 150 वाली। कितना गांजा बिकता है एक दिन में यहाँ पे? 4,000 का गांजा बिक जाता है। कितनी पुड़िया सुबह लेके आते हो? कम से कम 100 पुड़िया। 100 पुड़िया 40 वाली हैं? 80 से ये। और बड़ी वाली 80 वाली कितने की? कितनी लगे क्या आते हो? 30 पुड़िया। टोटल कितने का माल रहता है? अब ये टोटल माल है 100-4,000 हो गया। 30 भी माल बच जाता है ना। किससे का? 6-7 हज़ार का? 8 हज़ार का? नहीं 4,000 का तो तुम वो वाली बता रहे हो ना? मैं सब पूरी बिक्रिया बता रहा हूँ। अभी तुम बता रहे 100 पुड़िया लेके आते हैं छोटी वाली, अब बच जाती है ना? लेकिन लाते तो 100 हो ना।
मतलब ये किलो में कितना माल होता होगा ये एक दिन का? अब मुझे इतना पता नहीं था। कहाँ का ठेका है?